Hello. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू किचन फॉर यू आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन मोमोज की रेसिपी आप बहुत सारी तरीके से मोमोज की रेसिपी बनाई है लेकिन फ्राइड चिकन मोमोज की रेसिपी इस तरीके से बनाई है आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए इस फ्राइड चिकन मोमोज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले फ्राइड मोमोज बनाने के लिए यहाँ पर हमें डो गूँदना है तो यहाँ पर डेढ़ कप जैसा हमने मैदा ले लिया है साथ में हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक टू टेबल स्पून हम डाल देंगे ऑयल और फिर यहाँ पर हम एक डाल देंगे अंडा अगर आप चाहे तो अंडा को स्किप भी कर सकते हैं लेकिन अगर अंडा डालेंगे तो टेस्ट बढ़िया आएगा तो चारों इन्ग्रीडियंट्स के हम अच्छे से मिला देंगे एक बार अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसे पानी डाल के इसका हमें डो बनानी है जो पानी यहाँ पर लेनी है अगर आप चाहे तो उसे हल्का सा गर्म कर ले उसमें क्या होगा जो डव है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा तो ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिला दिया है अच्छे से मिलाने के बाद इसका हम डो बनाएंगे जो डो होगा वो बहुत ही अच्छे से हमें गूँधना है ताकि सॉफ़्ट बने और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हमें इसका एक डो बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट है तो पानी एक बार में ज़्यादा ना डालें उसमें क्या होगा जो डो है वो अच्छे से गिला हो सकते हैं तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको गूँध लिया है इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा कर इसके चिकना कर लेंगे और इसे हमने रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे दूसरे पाउल में यहाँ पर हमने ढाई ग्राम जैसा चिकन ले लिया है बोल चिकन और उसे हमने मिक्सिंग में डाल के उसका हमने पेस्ट बना लिए है इसमें हम वन टेबल स्पून अदरक लेसन की पेस्ट हाफ टेबल स्पून डाल देंगे सॉल्ट और हम डाल देंगे टू टेबल स्पून ग्रीन चिली वन टेबल स्पून हम डाल देंगे सोया सॉस और पेपरिक की पाउडर डाल देंगे हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम और एक बार अच्छे से मिला देंगे अच्छे से मिलाने के बाद जो चिकन का डो है वो परफेक्टली हमारी तैयार होगा इस तरीके से हम चिकन मोमोज़ बनाएंगे चिकन को मसाला को अच्छे से हम मिला देंगे और चिकन भी हमारी रेडी है डो को भी हमने पहले से रेस्ट करने के लिए रखा है तो अब हम मोमोज बना लेते हैं तो को हम एक बार अच्छे से इस तरीके से गुल लेंगे अब देखिए बहुत ही सो तो बहुत ही अच्छी बनी है तो ये देखिए और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और इसे हम पे इसको हमें गोल गोल नहीं घुमानी है बस दो तो और चारों तरफ से इसको हमें खींच के इसको बिल्कुल पतली कर देनी है ताकि मोमोज़ की जो लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी होगा और खाने में टेस्ट आएगा तो देखिए इस तरीके से हमें इसे पतली कर देनी है और फिर इसकी हमें शेप देनी है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनी है बहुत ही सॉफ्ट है तो पूरी इस तरीके से पतली कर देनी है पूरी तरीके से ताकि इसकी लेयर जो है वो एक साइड से दूसरी साइड देखे तो यहाँ पे हमने एक ग्लास की मदद से कुछ इस तरीके से इसके पीसेस कर लेंगे अगर मोमो की शेप थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए तो आप थोड़ा सा जो कटोरी की मुँह है वो भी आप ले सकते हैं या कुकिंग कटर भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेनी है और इसके साइड में जो निकाली है इसको हम दोबारा बना लेंगे तो इस तरीके से आप देखिए इसका शेप बहुत ही बढ़िया आएगा और सारी जो मोमोज बने वो एक ही साइज की होगी तो ये देखिए बहुत ही पतली बनी है आप देख सकते हैं अब इसके अंदर हमें स्ट्राफिंग डाली है तो यहाँ पे चिकन की हम स्ट्राफिंग यूज करेंगे अगर आप चाहे तो कुछ और एक एक, तो बाउल में पानी रखा है और पानी हम इसके किनारों में लगाएंगे, ताकि इसकी एक साइड दूसरी साइड से चिपक रहे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा दिया है किनारों में और इसे हम कुछ इस तरीके से पलट देंगे पलटने के बाद इसकी जो किनारा है वो हम हाथों से कुछ इस तरीके से दबाएंगे ताकि इसकी वो अच्छे से चिपक रहे और ना खोले फिर हाथों में लेके इसको पलटते हुए एक साइड से दूसरी साइड कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे और थोड़ा सा इस तरीके से घुमा देंगे ताकि ये चिपक रहे और ये देखिए हमारी मोमोज बिल्कुल रेडी है बहुत आसान एक स्टाइल है इस मोमोज बनाने की तो देखिए तैयार है सारी मोमोज़ को हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे और फिर हम मोमोज को फ्राई करेंगे तो ये देखिए सारी जो मोमोज़ है वो बन के तैयार है अब देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी तरीका है तो चलिए इसे बनाते हैं और फ्राई कर लेते हैं तो देखिए ऑयल को यहाँ पे हमने अच्छे से हाई फ्लेम में गरम कर लिया है और फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और फिर ये मोमो है मोमो को हम डाल देंगे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मोमोज बनी है सारी मोमोज़ को हम एक बार में ही फ्राई कर लेंगे तो देखिए मोमोज़ बन के तैयार है फ्लेम को हमको मीडियम रखनी है फ्लेम को हाई नहीं रखनी है और अगर, अगर आप हाई रखेंगे तो क्या होगा अंदर अच्छे से नहीं फ्राई होगा तो इसे हमें बस पलटनी है पलटते हुए हर तरफ अच्छे से फ्राई कर लेनी है तो ये देखिए इसके कलर बिल्कुल डीप गोल्डन ब्राउन आने तक हमें फ्राई कर लेनी है ताकि जो मोमोज़ है वो अंदर बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा और खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इस तरीके से हमें मोमोज़ को फ्राई करनी है अब देखिए मोमोज़ की कलर बहुत ही बढ़िया आई है इससे और एक बार पलट दूंगी और अच्छे से फ्राई कर लूंगी इस तरीके से मोमोज को आपको फ्राई करके खाना है बहुत ही बढ़िया टेस्टी है इस मोमोज को अब देख सकते हैं मोमो बिल्कुल फ्राई होकर तैयार है बस इसे हमें निकालने हैं अच्छे से निकालेंगे ऑयल में से ताकि ऑयल बिल्कुल ना रहे और टिश्यू पेपर में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल जाए और फिर हम इसे सॉस के साथ साफ करेंगे आप चाहे तो मोमोज की चटनी ग्रीन चटनी या किसी भी स्केचअप के साथ इस मोमोज की आप रेसिपी को आप साफ़ करें बहुत ही बहुत ही टेस्टी है और इजी रेसिपी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें